और अब बात बिहार के एक मंत्री के नाम निकली 11 करोड़ रुपए की सुपारी की। बिहार के एक मंत्री ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि एक शख्स ने उनके नाम 11 करोड़ रुपए की सुपारी निकाली। ये सुपारी भी छुप छुपा कर नहीं निकाली गई, बल्कि बाकायदा खुलेआम सोशल मीडिया पर निकाली गई। सबसे पहले नेताजी के ये बोल वचन सुनिए। एक अभी मेम लड़ी, मेम हाफ पैंट पहन के लड़ गया, हाफ ऊपर से कपड़ा पहन के जिला परिषद में, ये झूठ बोले नगेंद्र राव, और जमानते जब्त करा दिए समझौता के। मेम हम नजर ही नहीं आ रहा है। अब लेकिन जो ऐसे पहले तो मोबाइलवा में फोटो रख लेता उसको था, तो उसको रात में सपना में आ रहा था। क्या बोलते हैं? और अब नेताजी की बदजुबानी के बदले एक और स्वयंभू नेताजी का ये बड़बोलापन देखिए। हमने निर्णय लिया है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव मंत्री का जो भी हत्या करेगा उसको 11 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ये राशि समाज से हम चंदा सहयोग लेकर करेंगे। बिहार में जो न हो वही कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक तो आपने बिहार की गिरती कानून व्यवस्था के बारे में सुना था, क्योंकि इस बार एक जातीय संगठन के नेता ने सीधे बिहार सरकार के एक मंत्री के नाम की ही सुपारी निकाल दी है। सुपारी भी ऐसी वैसी नहीं और कोई मामूली रकम की नहीं, बल्कि सिर काट कर लाने की और बदले में पूरे 11 करोड़ रुपए देने की। बिहार के सहकारिता मंत्री के नाम की सुपारी, सिर काट कर लाने वाले को 11 करोड़ के इनाम का ऐलान, महिला के अपमान के विरोध के नाम पर दी सुपारी, मंत्री की हत्या की अपील करने वाला हुआ गिरफ्तार। अब आइए एक मंत्री की हत्या की सुपारी निकाले जाने की इस अजीबोगरीब कहानी को शुरू से समझते हैं। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चे में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक जनसभा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जैसा शायद एक मंत्री को कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने अपने ही चुनाव क्षेत्र की एक महिला नेता का जिक्र करते हुए न सिर्फ उसके कपड़ों को लेकर टीका टिप्पणी की, बल्कि और भी कई आपत्तिजनक बातें कही। सच्चाई तो यही है कि अगर इस तरह की टीका टिप्पणी पर सरकार खुद कोई संज्ञान लेती तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन खबरों के मुताबिक जब पीड़ित महिला की शिकायत के बावजूद मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खुद को क्षत्रिय सेवा महासंघ का अध्यक्ष बताने वाले धनवंत सिंह राठौर नाम के एक शख्स ने सीधे न सिर्फ मंत्री के नाम की सुपारी निकाल दी, बल्कि इस सिलसिले में एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो में धनवंत सिंह खुलेआम मंत्री की हत्या करने वाले को 11 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव मंत्री का जो भी हत्या करेगा उसको 11 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ये राशि समाज से हम चंदा सहयोग लेकर करेंगे। धनवंत सिंह की सुपारी वाली अपील के बाद सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने गया के रामपुर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। मंत्री के FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार मंत्री के नाम की सुपारी देने वाले को पटना से गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी मिली कि इस जो वीडियो को डालने वाला जो व्यक्ति है वो पटना जिला में छुपा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेष टीम को पटना जिला भेजा गया, जहाँ से उक्त व्यक्ति जिसका नाम है धनवंत सिंह राठौर, जो कि समस्तीपुर जिला का रहने वाला है लेकिन अभी वर्तमान में पटना जिला में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। गया से पंकज कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।